नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान का राजनीतिक ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो टकराव की स्थिति चल रही है उसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है और इतने दिनों से जो कांग्रेस के अंदर टकराव देख रही थी भारतीय जनता पार्टी, ये सब वेट एंड वॉच की नीति अपना रही थी, अब वो खुलकर सामने आ गई है। भाजपा ने एक बैठक बुलाई थी अपने लेजिस्लेटिव पार्टी की, जो विधायकों की बैठक हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया कि कल से जो सत्र शुरू होने वाला है, जिसके बारे में अभी तक भाजपा ने ये नहीं खोला था, अपना पत्ता नहीं खोला था कि वहाँ पर हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे कि नहीं, अब ये अनाउंस कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी कि गहलोत सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। सत्र की शुरुआत कल होने वाली है और इसके लिए दोनों तरफ से तैयारियां चल रही है। कांग्रेस अपनी तैयारी में जुटी है तो भारतीय जनता पार्टी अब अपनी तैयारी में लग गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी योजना बनाई, उसके साथ साथ अपने विधायकों के साथ बैठक की, इसके बड़े नेता मिले और फिर ये तय हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव लाना है। क्योंकि कुछ दिन पहले तक जब सत्र की घोषणा हो चुकी थी और ये पता था कि 14 अगस्त को राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उस समय से भी अभी एक सप्ताह पहले तक भी भारतीय जनता पार्टी ने ये बात नहीं कही थी कि वहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अभी तक जो भाजपा के सोर्सेस से बात उठ रही थी उसमें यही कहा जा रहा था कि वहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमण, भ्रष्टाचार, पुलिस की तानाशाही, अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं पर जबरदस्त चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही तय किया जाएगा कि राजस्थान सरकार के खिलाफ कैसा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही समय नज़दीक आया, अब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर इसके लिए तैयार हो गई कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कैसी कार्रवाई, कैसा एक्शन लिया जा सकता है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई और उसमें सारे नेता मिले, वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर राजस्थान के प्रभारी तक वहां उपस्थित थे और दिल्ली से लेकर जयपुर तक सारे कोऑर्डिनेशन के बाद अब फैसला लिया जा चुका है कि कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। आखिरकार भाजपा ने अंतिम समय में ये निर्णय क्यों लिया, भारतीय जनता पार्टी की योजना क्या है? भारतीय जनता पार्टी बिना योजना बनाए हुए, बिना प्लान बनाए हुए राजस्थान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने नहीं जा रही है। भाजपा की एक योजना है और वो योजना जो प्लान बी के स्तर पर चल रहा था वो उसी समय से चल रहा था जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही थी कि सचिन पायलट सिंधिया बनने की स्थिति में नहीं है और इसलिए इनके ऊपर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगर भरोसा नहीं किया जा सकता तो सचिन पायलट अगर वापस चले गए फिर से कांग्रेस में तो उस समय क्या किया जा सकता है। और वो वेट एंड वॉच की नीति अब खत्म हुई और धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर की जो स्थिति है वो भी सामने आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी बात बता दी, अब दूसरी तरफ कांग्रेस पूरा जोर शोर से अपने विधायकों को एक साथ करने के लिए लगी हुई है। कांग्रेस इस चार दिनों में चार बार बैठक कर चुकी है और फिर से एक बैठक सत्र शुरू होने से पहले होने वाली है। कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है क्योंकि सचिन पायलट कैंप की वापसी के बाद अशोक गहलोत के कैंप में भगदड़ मचा हुआ है। अशोक गहलोत के जो नज़दीकी लोग हैं वो उनको बता रहे हैं कि हमारे विधायक फूटे हुए हैं और उन लोगों की नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण यही है कि 18 विधायकों के लिए 90 से ज़्यादा विधायकों की बेइज्जती की गई है। 18 विधायक जो सचिन पायलट के साथ थे, यानी सचिन पायलट को अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो 19 विधायक ये लोग कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बगावत किए, अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत किए, जबकि इनके अलावा जो कांग्रेस के बचे हुए विधायक थे वो अशोक गहलोत के साथ रहे और आखिरकार सरकार बचाने के लिए उसी 19 विधायकों की बात मानी जा रही है, जबकि बचे हुए जो विधायक पिछले 1.5 महीनों से अलग अलग होटलों में कैद हैं, बंद हैं, उनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, घर परिवार से दूर हैं, फिर भी उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया।
और इसलिए अशोक गहलोत के कैंप के विधायक भी नाराज हैं और इसमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी समस्या ये है कि सचिन पायलट ने, जो विधायकों ने सचिन पायलट के ऊपर भरोसा किया था, उनको जो ख्वाब दिखाया गया था कि अब जब सरकार गिर जाएगी और उसके बाद सचिन पायलट या तो रीजनल पार्टी बनाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, तो उस समय ये 18 जो विधायक हैं उनकी औकात बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन सचिन पायलट जब वापस आ गए हैं तो उनकी औकात 2 करोड़ की हो गई है। अब वो न इधर के रहे और न ही उधर के रहे, वो बीच बीच में झूल रहे हैं। अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायक, यहाँ तक कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी अब पायलट कैंप के सारे विधायकों के ऊपर जो संदेह की नज़र रखे हुई है, उन पर पूरा विश्वास नहीं है। और इन लोगों को तो ये भी लग रहा है कि आगे जब विधानसभा का चुनाव राजस्थान में होगा तो हम लोगों को टिकट दी भी जाएगी या नहीं, ये कन्फ्यूजन दोनों तरफ से है। तो इसलिए इन कन्फ्यूजन को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्लान भी बनाया और उसी प्लान के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं जिसमें से 101 विधायकों के समर्थन की जरूरत सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत को होगी और 107 विधायक अभी अशोक गहलोत के साथ हैं। 107 विधायक में से 6 विधायक वो हैं जो बसपा से कांग्रेस गए थे, उनके खिलाफ भी मामला राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा है। ये भी अब धीरे धीरे जो बसपा के पूर्व बसपा के विधायक कह सकते हैं वो लोग भी पहले सुप्रीम कोर्ट गए और फिर वापस हाईकोर्ट में चले आए कि हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसी पर सुनवाई पर हम सहमत हो जाएंगे, और वहाँ पर लगातार सुनवाई चल रही है। ये अंतिम दिन तक, जो सत्र होने से 1 घंटा पहले भी अगर ये स्टे ऑर्डर आ जाता है राजस्थान हाईकोर्ट का, तो फिर ये 6 विधायक वोट नहीं दे पाएंगे। इसके कारण कांग्रेस के विधायकों की संख्या घट के 101 हो जाएगी और 101 विधायकों के समर्थन की जरूरत कांग्रेस को है सरकार बनाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद जो पायलट और गहलोत कैंप में गहमागहमी चल रही है, उसमें बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग होने की उम्मीद है। इस बात की संभावना भारतीय जनता पार्टी को है कि पायलट और गहलोत के बीच जो गहमागहमी चली और दोनों फिर एक साथ मिल गए, इससे विधायक नाराज हैं। विधायकों को लगने लगा है कि उनके साथ धोखा किया गया, उनको चीट किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व के स्तर पर आपस में मेलजोल कर लेते हैं और हमें बलि का बकरा बना देते हैं। हमारी कोई औकात ही नहीं है, ना हमसे पहले राय सलाह ली गई और ना जब दोनों में सहमति बननी थी तो उस समय राय सलाह ली गई। इसलिए इस सरकार के खिलाफ कई विधायक ऐसे हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, वो पायलट कैंप के भी हो सकते हैं और वो गहलोत कैंप के भी हो सकते हैं। तो ऐसे अगर 10 से 15 विधायक भी क्रॉस वोटिंग करते हैं तो अशोक गहलोत की सरकार गिर जाएगी। उनके पास इतने विधायक नहीं हैं कि 10-15 विधायक के जाने का भी कोई असर न हो, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के बाद उनके खिलाफ व्हिप जारी किया जा सकता है और एंटी डिफेक्शन के तहत उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। उसके बाद सरकार गिरने के बाद चुनाव हो सकता है, लेकिन अभी वो कांग्रेस के अंदर ही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है और सदन का जो स्ट्रेंथ है वो 200 का 200 रहेगा। अगर 10 से 15 क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो उसके बाद अशोक गहलोत की सरकार के लिए बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ साथ जो निर्दलीय विधायक हैं अब वो भी गहलोत का साथ छोड़ चुके हैं। इन लोगों ने भी यही बात कही कि इतने दिनों तक हमें टॉर्चर किया गया, अब जो निर्दलीय विधायक हैं उसमें से कुछ बाहर निकल कर तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस का इस्तेमाल किया गया था हमें जबरदस्ती रखने के लिए, होटल में रखा गया, हमारे फ़ोन टेप किए गए, यहाँ तक कि हमें अपने परिवार वालों से बात करने की भी अनुमति नहीं दी जा रही थी। अशोक गहलोत के खिलाफ अब निर्दलीय विधायक भी हो गए हैं और BTP जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक थे उसमें से 1 विधायक ने गहलोत के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है, जबकि पहले BTP जो है वो गहलोत के समर्थन में आने की बात कह रही थी और वो उस पार्टी के दोनों विधायकों ने समर्थन की बात कही थी। लेकिन जैसे जैसे ये समस्या, ये सत्र का दौर, जो सत्र होने वाला है शुरू, उसका समय नज़दीक आया, सब में आपसी फूट पड़ने लगा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के 72 विधायक और उसके बाद
उसके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो उसके समर्थक हैं, सहयोगी पार्टी है, उसके 3 विधायक एक साथ हैं, तो 75 विधायक इनके पास हैं, जबकि गहलोत सरकार को बचाए रखने के लिए जो 101 विधायक उनको चाहिए उसके लिए गहलोत को मुश्किल उठानी पड़ सकती है। दोनों कैंप में जो क्रॉस वोटिंग की स्थिति चल रही है और दूसरी तरफ निर्दलीय का विरोध, बीटीपी का विरोध, ऐसी स्थिति में गहलोत सरकार के लिए संकट खत्म नहीं हुआ है। और जब सत्र की शुरुआत हो और उसके बाद जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उस पर चर्चा कराई जाएगी और सारे विधायक एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे, तो उसके बाद जो वोटिंग होगी उस वोटिंग पर ही निर्भर करेगा कि अशोक गहलोत अभी तक कितने सफल हो पाए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।